हेलो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक थंबनेल। तो उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाके स्पार्क पोस्ट सर्च करना होगा, और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, तो आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर अपने गैलरी पे क्लिक करना है, और फिर जोन से भी आपको जो स्क्रीन जिसके ऊपर आपको बनाना है अपना थंबनेल, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपना ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर सोशल पोस्ट में आप यूट्यूब को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आपको कोई और उस पर बनाना है सोशल पोस्ट पे, तो आप उस पर बना सकते हो। फिर आप इसका अलाइनमेंट कर दो, फिर सेव कर दो, फिर डबल टैप करना टेक्स्ट पे, फिर जोन सा भी टेक्स्ट आपको लिखना है उसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, फिर आपको कलर चेंज कर सकते हो आप इसका, और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो इसमें। इसका साइज देख सकते हो हम, जैसा बड़ा छोटा रखना है। एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट ही कर सकते हो, ओपेसिटी, स्पेसिंग। फिर आप जैसे आप डन पर क्लिक करोगे, फिर आपको लेआउट पे जाना है, फिर बॉर्डर आप इसके कर सकते हो, फिर इसका कलर आप देख सकते हो, कलर आप ठीक कर सकते हो। डिज़ाइन में मेरा फेवरेट है, वहाँ पे आप इसकी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैं आपको सारे दिखा देता हूँ जो जो से अवेलेबल है अभी। ये सारे थे जो कि अवेलेबल थे अभी। फिर आप जैसे डन पे क्लिक करोगे, फिर आपको ऊपर एक एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद अपने YT स्टूडियो में जाना है, वहाँ पर फिर आपको जो भी वीडियो फिर डालना है आप उस पर डाल सकते हो। जैसे मैं इस पर डाल देता हूँ, और फिर एक पेन का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर दबाओगे, फिर एक और पेन का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर दबाओगे, तो ये पूछेगा कस्टम थंबनेल। तो आपका जैसे उस पर क्लिक करोगे, आपने जो वाला थंबनेल बनाया वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, और आप इसको सिलेक्ट कर दे बस, और सेव कर दे। फिर जैसे आप अपने YouTube में जाएंगे आपको वो दिख जाएगा वहीं पे भी। मैं YouTube में गया और आप देख सकते हो वो हमारा सबसे टॉप पे है थंबनेल। तो यही था आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।